अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाएं के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, मैडम सबीन यूनुस की बर्थडे है और तमाम अदबी बरादरी जो है उसमें से जो बड़े मुअज़्ज़ज़ हमारे लिखारी वो यहां हाजिर हैं, तो ये बर्थडे जो है उसका केक काटेंगे इंतसाब कहानी की तरफ से। हम जो है इसको कवर कर रहे हैं, तो आइए मैडम को मिल के सब सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sameen, happy birthday to you. Candles can watch me. नाम क्या है? हसामुद्दीन। बेटा है इसका नाम फहामुद्दीन और ये मेरी बहू है, बेटी है शहरबान। माशाल्लाह बेबी बहुत खुशकिस्मत है, और आप भी कि आपकी बर्थडे में बेबी शामिल है छोटा। माशाल्लाह और इंशाल्लाह शादी कर रहे हैं आपसे, इंशाल्लाह किसकी शादी कर रहे हैं आप? मैं तो तुम्हें बहुत मुबारक हो। ये अच्छा, ये अच्छा। बेटी उसे कहते हैं दमाद मुबारक हो, वो कहीं पैदा हो चुकी है, ये होने वाली है। मेरी सास जो है ना वो कहती थी ना कि भाई अल्लाह करे कि मैं बेटा जो था मेरा असाम या इमाद हुआ तो मैं उनकी शादी वो करूँ, तो मेरे मियाँ कहते हैं कि बहाने बहाने से आप लंबी उम्र की दुआ मांगो। सबीन अपनी बर्थडे का केक काट रही हैं, बल्कि काट चुकी हैं और अब तकसीम कर रही हैं सबको, और हम लोग खड़े हैं लाइन में कि इनको इस खुशी की मुबारकबाद भी दें और केक भी खाएं। केक भी बहुत मज़े का, तो ये अब केक जा रहा है आगे और आगे ये मेरी प्लेट में आ चुका है, और बड़ा डिफरेंट केक इन्होंने इंतखाब किया। मैंने इसका नाम भी पूछा है, अमूमन बर्थडे पे बच्चे का नाम पूछा जाता है, हमने केक का नाम पूछा। अच्छा, आपने इनसे ये नहीं पूछा कि ये इन्होंने इसके ऊपर नंबरिंग नहीं की है? नंबरिंग एक मसला हम सबके साथ है। अच्छा, और हम जितनी लेडीज हैं उनके साथ नंबरिंग का मसला ये कि ये केक के ऊपर अगर हम अब कैंडल्स लगाएंगे तो कैंडल्स ही कैंडल्स होंगे केक। ये मसलतन जो है वो ये हमने इरादतन किया, मसलतन नहीं, इरादा किया होता कि ये अब मैंने फरीदा फीस के लिए केक। बहुत शुक्रिया, सारा कुछ तो आयशा ने बोल दिया है, अब हम क्या बोले। ये है कि केक खा के बताते हैं कितना मजे का है, लेकिन सबीन को बहुत बहुत मुबारक हो। एक ये है कि उन्होंने हमें बताया नहीं इनकी आज बर्थडे है, तो ये सरप्राइज था ना। सरप्राइज तो ऐसे ही होता है, ये बिग सरप्राइज था। हम भी इनको सरप्राइज दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही। ये जी जी प्लीज, ये कि आज इनकी है 13 फेब को सालगिरह, हमेशा हर साल 13 फेब को होती है। सुबह सुबह हमें तो फेसबुक के जरिए पता चला, आज फैज साहब की भी है योम पैदाइश, फैज साहब का भी है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होगी कि इतने बड़े शायर की भी सालगिरह है और सबीन की भी सालगिरह है, तो ये भी मेरा ख्याल है एक ताल्लुक। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है? ये जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये तो। वैसे आप कम भी नहीं है उनसे, ऐसी बात नहीं। सबीन का स्टार एक्वेरियस हुआ ना, एक्वेरियस जो है उनके बारे में कहते हैं कि दे विल रूल द वर्ल्ड इन दैट। आज तो रूल कर रही है वैसे, इस हवाले से हम सब यहाँ पे हाजिर हुआ मैम को सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि मैम को भी कोई पता नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने इतना अच्छा अरेंज कर दिया, इसके लिए हम इनके बहुत शुक्र गुजार हैं। और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक इनकी जो है इनको उम्र हिजर अता फरमाए,
और जो ये अपने पोते की शादी भी अपने हाथों से करें क्योंकि उसको भी हमने आज ही देखा है। उम्र खिज़्र है ना, उम्र खिज़्र। अच्छा अच्छा बिल्कुल, उम्र फैज भी ना, या फैज हासिल हो या उम्र फैज, उम्र फैज जो है भाई। केक किसका है? सबीन आपकी बर्थडे का? भाई वाह क्या बात है, आपने तो छुपी रुस्तम निकली, आपने तो बताया ही नहीं सारा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्चों की तरह कहे, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खुशगवार जिंदगी की दुआ करती हूँ। आमीन। और ये तो यही बात है, आपको खुशियाँ दे और आप इसी तरह सालगिरह मनाती रहे अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और खुश रहे। जाहिर है हम भी इस बहाने इकट्ठे होते रहेंगे। ले ये बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है हमें, केक भी खाते हुए, और आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं इस बहाने से। हलीम बहुत मज़ेगा और सब सहेलियाँ इकट्ठी हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आमीन जी। बहुत बहुत मुबारक सबीन आपकी सालगिरह, आपने बहुत खामोशी से किसी को बताए बगैर ये सरप्राइज था ना मैडम, यही सरप्राइज हो गया, मुझे ना गिला दी, मुझे गिला ना दी। लेकिन आपको बहुत मुबारक हो और रात लंबी उम्र, सेहत तंदुरुस्ती और बेशुमार हमारी दिल से दुआ। असल में रात को बच्चे 12 बजे देते हैं ना आजकल, अब वो पता होता है ना, भी याद हो, याद हो तब भी बंदा फिर कुछ उठ के नहीं आता बाहर में, देखते कुछ कर रहे हैं वो, अम्मी अंदर रहे, अम्मी अंदर रहे। अब वो मेरा बेटा कहता है कि सरप्राइज वो हो कि जिस दिन हम आपको कहें ही ना विश। ये अच्छा है, ये अच्छा। आप इंतजार ही करते रहते हैं। वैसे आपका सलीका, आपका हाथ का मज़ा बेहतरीन वाली बना था, चाट भी बहुत अच्छी चीज़ें आपने बनाई, और हुनर नज़र आता है कि सलीके और करीने का। बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। आप कुछ बात आप बहुत लकी हैं, फिर आप तो बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, आर्टिस्टिक है माशाल्लाह। ऐसी ऐसी प्यारी बहू सबको दे जो बेटी से बढ़ करो। जी जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये छोटा देखें जी, छोटा ये छोटू क्या कर रहे हैं? छोटू बहुत शुक्रिया, जब आप केक रख रही थी तो मुझे कुछ थोड़ा सा क्लिक हुआ था। अच्छा, मैंने कहा वो रखती रहती चीजें, इतना सरप्राइज, और अल्लाह आपको कहते हैं ना तुम जियो हज़ारों साल, और हर साल के दिनों 50,000, और वो मल्टीप्लाई बाय करती जाओ करती जाओ, मल्टीप्लाई बाय फैज साहब की उम्र, और ये केक भी और ये चीज़ें भी और तुम्हारी महफिल भी और तुम्हें भी और तुम्हारे घर को भी सलामत रखे। आमीन। और जिंदगी भी और बहारें भी इसी तरह हंसते मुस्कुरा के, दुखों के साथ, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, सलूक के साथ, दोस्ती के साथ, सबके साथ शेयर करो। बहुत शुक्रिया। और किसी ने चाय लेनी है? गरम चाय है, मेरे को लेना चाहता हूँ। अंडे गरम चाय कर। चाय करो, मंडे करो, मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा मान रखा, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आपने ये सारा सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह सब इतने सारे मेहमान मेरे लिए लाए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया, और हैप्पी बर्थडे टू यू आपको फेसबुक पे भी किया, और इस तरह की बहारें लगी रहे, और आपकी जो है आपने चैनल का मान रखा, मेरे प्रोग्राम का आपने बड़ी रिक्वेस्ट थे आपसे, वो आपने जो है एक बहुत ना चीज़ को दिया। असल में ये एक ज़ाबती होता है थोड़ा सा एक्टिविटी, तो मैंने कहा कि मैं आपने कहा कि आज का आपने रखा हुआ है, तो मैंने कहा मैं इतनी भी आगे बजाय उसके कि मैं कहीं जाऊँगा छोड़ के, बस यही आपका अपना प्लान था ना, उसको आपने चेंज करके इतने गुलदस्ते को जो है ना आपने एकोमोडेट किया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आयशा साहब उससे समाप्त,
सभी की बर्थडे जो आप देख रहे हैं कि हम सारों ने केक से शुरू की, और ये सिर्फ केक नहीं था बल्कि साथ बहुत सारी डिशेस और थी, और उसमें सबसे जो हमारी फेवरेट रही वो हलीम रही, बहुत मज़े की बनी हुई थी, सैलड वगैरह सारी चीज़ें, तो हमने बहुत सारी चीज़ें खाई और प्लेट में बदल बदल के कई चीज़ें खाते रहे, और अब इस वक्त गर्मा गर्म चाय का दौर चल रहा है, दूसरी चाय का, दूसरा कप। अच्छा, मैंने सोचा था ये कॉन्फिडेंशियल नहीं, असल में ऐसे ये भी सरप्राइज नहीं, आपकी कंट्रीब्यूशन वैसे बहुत अच्छी रही है हलीम के हवाले से। असल में अगर ख्वातीन अच्छी कुकिंग करें और उसको कोई खाने वाला ना हो और तारीफ ना करे, तो उनका बहुत दिल दुखता है, तो हमने खाया भी और हमने तारीफ भी की, बिल्कुल ऐसे ही। सो सारे दोस्तों ने सबीन को दुआएं भी दी, अभी फ्लावर्स भी कुछ हाथों में नजर आ रहे हैं पेश किए जी, ये मेरी तरफ से मैम के लिए एक फूलों का गुलदस्ता, और अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगी में बहुत से इसी तरह के गुलदस्ते पेश होते रहें, और जो है ये बहुत सी खुशियाँ देखें, कामयाबी देखें, और हमारे साथ रहें, हमें रहनुमाई देते रहें। आमीन। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो आपके चैनल का शुक्रिया कि ये जो तकरीब है हम वैसे भी मनाते सबीन के साथ, लेकिन ये इस वीडियो की सूरत में एक यादगार बन गई है, हम इसे बाद में जब भी कभी देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मेरा ख्याल है ये आपका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो तकरीब जो कि आप रिकॉर्ड पर आ चुकी है और जब जब देखी जाएगी तो सबीन यूनुस की सालगिरह और हमारे ये तासरात उसमें शामिल होंगे, तो ये आपको इसलिए चैनल को खुशी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल यही है कि इस चीज़ को, इस इन लम्हात को आपने कैद कर लिया कैमरे में, और बहुत यादगार है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।